दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर अब तो जिया शंकर ने सारी हदें पार कर डाली है। जी हां दोस्तों, जिया शंकर को जब भी मौका मिलता है तो वो फलकनाज, अविनाश, पूजा भट्ट, साइरिस और जेद हदीद के सामने हमेशा फुकरा इंसान की बुराइयां करते हुए ही नजर आती है। हाल ही में दोस्तों बिग बॉस के लाइव फीड में दिखाया गया कि फलकनाज और अविनाश के साथ बैठकर यहां पर अभिषेक की बात करते हुए जिया शंकर ने कहा कि इसको पता नहीं क्या हो गया, कैप्टन बनने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। रात को मैं आराम से बैठ के अपने दोस्तों से बात कर रही थी, तभी आकर मेरे ऊपर तो चढ़ गया था कि मैंने बर्तन ठीक से नहीं रखे, ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन अब इसकी दोस्त मनीषा ने देखो झाड़ू भी नहीं लगाया सुबह से, लेकिन इसने एक बार भी मनीषा को नहीं टोका। बड़ा आया कप्तान बनने वाला। ये सुनकर दोस्तों फलकनाज और अविनाश ने यहाँ पर अभिषेक का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन ये तो शुक्र है कि वहाँ पर तभी आकांक्षा पुरी आ गई और आकांक्षा पुरी से जिया ने पूछा कि मनीषा ने झाड़ू अभी तक क्यों नहीं लगाया, जिसके बाद दोस्तों आकांक्षा ने बताया कि तेरे उठने से पहले मनीषा ने पूरा झाड़ू लगा लिया था और तुम्हें दिख नहीं रहा बेडरूम कितना साफ है। यहाँ पर दोस्तों आकांक्षा पुरी की ये बात सुनकर कहीं ना कहीं जिया शंकर और फलकनाज का मुंह देखने लायक था। कुल मिलाकर जिया ने साबित कर दिया है कि वो किसी की सच्ची दोस्त नहीं हो सकती। आपका इस मुद्दे पर क्या है कहना, अपनी राय कमेंट में बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।